نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, खुदा को भी फिर उसकी इस अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अजियत तर्क सुन्नत पर, भला आशिक कभी महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदे पुर फितन जो अहदे पुर फितन में जिंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन सौ शहीदों का वो पाता है, सवाब उस पर यकीनन सौ शहीदों का वो पाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, इतने लोग घबरा गए हैं कि हाथ भी नहीं उठा रहे, वो सोच रहे कि यार बार बार गलती कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मैं भी आपकी जगह होता अचानक सवाल होता मैं भी फंस जाता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी बेदारी को टटोलने के लिए अचानक मैं सवाल डालता हूँ कि मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। सुनने के लिए तैयार है? कुरान के हवाले से हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कुरान के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में एक ही चीज है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, एक चीज के अलावा कोई चीज नहीं है। खाना काबा भी नहीं, वो चीज कुरान। खाना काबा मखलूक है, खत्म हो सकता है, लेकिन कुरान अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। जैसे खुदा बाकी कयामत तक कुरान बाकी। एक नौजवान की शादी हुई, एक साल हो गया बाल बच्चा, दो साल शादी के हो गए बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार तू कैसा जवान है, शादी हो गई कैलेंडर छपी नहीं रहा। अब मुंह छुपा करके चलता, रात की तारीख में हाथ उठा करके कहता, मालिक कितने लोगों से मुंह छुपाता फिरूंगा, बेटा ना दो वो सही, लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूँ जब बेटी जवान होगी दुनिया की हर दौलत देकर के रुख सकत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल हो जाती है, बेटी मिल गई, जवान हो गई, जेब में फूटी को खबरा करके इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया। हुजूर कसम हो गई, अल्लाह से वादा किया था बेटी जवान होगी, रुखसत होगी, शादी करेंगे, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करेंगे, रुपया पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं, मकान दुकान कुछ कुछ। घबरा क्यों रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास अब भी मौजूद है। का हुजूर कुछ भी नहीं है, का सबसे बड़ी दौलत मौजूद है, बेवकूफ बन रहा है। बेटी जब तक शादी ना हो कुरान की तालीम दो, जब बेटी रुखसत हो जाए कुरान के साथ बेटी को रुखसत करो। अरे दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में आ ही नहीं सकती। कुरान के साथ हमारा सुलूक क्या है आईना दिखा रहा है। आदमी कहता हाफिज बनकर के क्या करोगे, दूसरा जुमला है तोते की तरह कुरान को रटने से क्या होगा,
तीसरा जुमला है कुरान का आखिरत में फायदा है, दुनिया में कोई फायदा नहीं। चौथा जुमला है कुरान पुराना हो चुका, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इधर से सीने से ये जुमला निकला, मुंह से ये जुमला निकला, इतना बड़ा एटम बम है कि सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, कुरान नहीं पढ़ाना मत पढ़ाओ, लेकिन कुरान को ताना मत दो, कुरान पढ़ने वाले को ताना मत दो, ईमान चला जाए। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, पटना से भी आ गया, सिलीगुड़ी से भी आ गया, ठीक नहीं हो रहा। किसी ने कहा दो काम करो, कुरान पढ़ा दो, कुर्बानी करा दो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। एक नंबर का कंजर था, कंजूस था, बकरी था, मक्की चूस था। बोला बकरी अभी जंगल में गई है, आएगी उसको जबह करना पड़ेगा, बहुत देर हो जाएगी, कुरान खा नहीं कर। तो लोगों ने कहा कि कुरान तो तुम्हारी जबान पर है और ये माल तुम्हारे दिल के अंदर चला गया। जिसको दिल के अंदर होना चाहिए वो जबान पर है, और जिसको जेब के अंदर होना चाहिए वो दिल के अंदर चला गया है। रोज अखबार पढ़ेंगे कुरान, कभी कभी हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, यहाँ पर आपने जिस ब्रेक मारा, दिल खुश कर दिया कि आप वाकई सवाल पर भी जवाब पर भी मुकम्मल मुस्तैद हो चुके। अल्लाह आपके बच्चों को कुरान के लिए कबूल फरमाए। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ के कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ परेशान नहीं हो, इसकी आप हिफाजत कर लीजिए, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाए। इस दुनिया में बीमारी क्यों है? जब तंदुरुस्ती है तो उस पर बीमारी क्यों रख दी? बीमारी इसलिए रखी ताकि खुदा का बंदा खुदा को भूल न जाए। इस दुनिया में गरीबी क्यों है? जब मालदारी थी तो गरीबी क्यों है? उसका एक लाइन में जवाब है, ये गरीबी इसलिए है ताकि खुदा का बंदा खुदा की नियमत खाए, उसका नाम ले ना शुक्री ना करे। आखिरत में दोजख क्यों है? ताकि खुदा के बंदे के दिल में खुदा का खौफ हो। मौत क्यों है इस दुनिया में? मौत तीन वजह से आती है। दुनिया इतनी छोटी है कि अगर मरने का निजाम ना हो तो दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं होगी, इसलिए लोग जाने वाले जाते रहते हैं, आने वाले आते रहते हैं, और हर नया बच्चा नया जहन लेकर के आता है, इसलिए नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग जाते रहते हैं। और मौत के बगैर खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो नहीं सकती, इसलिए मौत के जरिए खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाती है। एक आदमी एक नंबर का दुनियादार था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था। गुरु नानक जी को पता चल गया ये मालदार भी है और एक पैसा दान खैरात नहीं करता। गुरु नानक जी आए, सुई दे दिया, सुई जिससे के कपड़ा सिया जाता था, कहा ये सुई लो बतौरे अमानत, मरने के बाद हम तुमसे ले लेंगे। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया, कफन में जेब नहीं होता, हम इसको यहाँ से वहां कैसे ले जाए? तो गुरु नानक जी ने कहा, जब सुई नहीं ले जा सकते हो, ये कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठ गए हो, इसको कहां से ले जाए? अब उसे समझ में आ गया कि भाई दान का मतलब है, माल का मतलब है दान खैरात कर। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये पैसा दे रहे आप इस वक्त सबसे ज्यादा, ये पैसा जमीन खरीदने में इस्तेमाल हुआ। सोने से भी ज्यादा महंगी इस वक्त जमीन है। जो सबसे ज्यादा जमीन का मालिक है वो सबसे बड़ा मालदार है।
तो सबसे ज्यादा लोग जमीन खरीदने पर पैसा भी लगा। एक आदमी पैसा वाला था, उसका नाम था नीचू। इतना पैसा वाला था कि उसने अपने दिल में ख्याल बैठा लिया कि पूरी दुनिया की जमीन खरीद लूंगा। जहां सूरज डूबता है वहां तक जमीन खरीदूंगा, जहां सूरज तुलू होता है वहां तक जमीन खरीदूंगा। आया खगड़िया, लोगों से कहा जमीन बेच रहे हो? कहा कि मुंह मांगा पैसा दोगे, कहां दे देंगे। तो लोगों ने कहा पैसा यहां रखो, टोपी रखो, पगड़ी रखो, और यहां से निशान लेकर के तुम चलते रहो। जितनी दूर चलते रहोगे, जितनी दूर चलते रहोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि सूरज गुरूब होने से पहले निशान तक पहुंच जाओ। अब वो पैसा रख करके, टोपी का निशान रख करके, पगड़ी का निशान रख करके चलना शुरू किया। चलता गया, लालच में उसे समझ में नहीं आया कि सूरज डूब रहा है। जैसे ही सर उठाया सूरज डूबने लगा, और इतनी दूर जा चुका था कि वहां से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते अभी दो हाथ पीछे ही था कि सूरज डूब हो गया, और इतना थक चुका था कि इसकी जिंदगी का सूरज डूब हो गया। मरने के बाद भी जो पूरी दुनिया की जमीन खरीदना चाहता था उसको भी दो हाथ जमीन मिली इसके ज्यादा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो दो गज जमीन ही मिलेगी। खत्म हो गया जवानों के हवाले से, औरतों के हवाले से दो चार पैगाम सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए आ रहे हैं। सुनने के लिए तैयार हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। यहाँ जवान होने का कोई चांस नहीं। खैर अल्लाह जजाए खैर दे, हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, मेरा आप गिरेबान पकड़ सकते। दो काम कीजिए आप, अल्लाह आपको मालदार बना देगा, गरीब नहीं रखेगा। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी ले रहा हूं। आपको सिर्फ दो काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता। एक खास बात सुनिए, जिसके घर में हलाल होता है शैतान उस घर से भाग जाता है। हदीस कहती है जो आदमी हलाल कमाता है राहे खुदा में गर्दन कटाने वाले शहीद के बराबर सवाब मिलता है। जो आदमी हलाल कमाएगा उसको दो फायदे होंगे, वो मोहताज नहीं होगा किसी का सिवाय खुदा का, और वो मगरूर नहीं होगा, तकब्बुर नहीं करेगा। आप रात में टॉर्च मारिए दीवार पर, रात में किसी वक्त में पेशाब के लिए उठते हैं, आप टॉर्च मारिए दीवार पर तो कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी, मगर चूती चलती हुई नजर आएगी। ये चूती कहां जा रही है, कहां से आ रही है, क्या कर रही है, सवाल पूछिए। इस सवाल का जवाब किसने दिया? हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने दिया। ओ जवानों, चूती से नसीहत हासिल करो। ये चूती रात दिन चलती रहती है, क्यों? रोजी तलाश करती है, रोजी के लिए मेहनत करती है। उसे पता है कि बारिश का जमाना आ रहा है, उसके लिए अभी कमाना पड़ेगा। उसे पता है कि सर्दी का जमाना आ रहा है, उसके लिए अभी कमाना पड़ेगा। अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो चूती की तरह रात दिन एक करके हलाल कमाना पड़ेगा। ये लखनऊ बगल में है, यहाँ मुसलमानों की कमेटी बैठी है। मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? तो उन बदनसीब मुसलमानों ने क्या फैसला लिया, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोने पर आप मजबूर हो गए। उन बदनसीबों ने फैसला लिया मुसलमान को तरक्की इसलिए नहीं है कि मुसलमान सूद नहीं खा रहा,
जिस दिन सूद और सूअर खाने लगेगा उस दिन मुसलमानों को तरक्की होगी। ऐसे सूअर मुसलमान लखनऊ कमेटी में फैसला चला। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आदमी हराम आखिर क्यों कमाता? इरादा से लिया। बीवी ने इधर से ताना मारा, बेटे ने इधर से ताना मारा, तुम तो वहीं के वहीं रह गए। दुनिया के लोग कहां से कहां पहुंच गए। ताना उधर से मारा, ये ताब नहीं ला सका, आंख बंद करके कमाने लगा। न हलाल को देख रहा, न हराम को देख रहा, लूट करके ला रहा, लूट करके खा रहा। जब शादी का वक्त होगा तो बाप वकालत करेगा, बेटा खामोश रह। बाप कहेगा मैं तो हाजी हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी दे रखी है? अगर चार चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उसी से आपकी बेटी आएगी और जाएगी। हमको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी दे रखी है? अगर डबल डबल सामान दे दीजिएगा, एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आराम करेगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को थक करके जा रहा, तो बेटा से बोला फरिश्ता को भी थकना चाहता। बेटा बोला बावजूद तुम्हारे दादा की मजाल है, फरिश्ते को थक लो, कहा 2 मिनट। लेकिन करना तुमको यह है कि जब मैं मर जाऊं पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? क्या जब पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार-बार दिमाग खराब करने के लिए? इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी किसको मिली बेटी दामाद को, ये सामान किसको मिला बेटी दामाद को, इस बार बाप को क्या मिला नाना की हिंदी? ये बेटे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुना करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। उसके बाद एक पैगाम औरतों के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत जाएगी, बहुत अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं। 2000 नौजवान इस हिंदुस्तान में हर साल मर जाते हैं, खुदकुशी करते हैं, फांसी के फंदे से लटक जाते हैं, जहर खा करके मर जाते हैं, ट्रेन की पटरी में कट जाते हैं। ये कौन नौजवान है? जुआ खेलने वाले। सोचा था कि जीत जाएंगे, जीतने के चक्कर में हारते चले गए। 75 लाख रुपया 19 घंटे में हार गए। अब पैर नहीं उठ रहा है ये काला, लो अपने घर वाले को क्या दिखाएं? रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक दी, धोबी का गधा घर का रहा। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा, उसको आप तोड़िए, शराब के गिलास में डाल दीजिए, फिर तमाशा देखिए। कल तजर्बा करके देखिए, अंडा है उसको तोड़िए, कच्चा अंडा, गिलास में शराब डालिए, उसको डालिए, वो अंडा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे आग पर उबला हुआ अंडा। आपकी आंख से पत्ती हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है, अतड़ी इस तरह टाइट हो जाती है। पानी की बोतल में एक बोटी आप डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। शराब की बोतल में एक बोटी डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, 3 दिन के बाद जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है उसका रंग नहीं बदलेगा, और जिस शराब की बोतल में आपने बोटी डाली है वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। अब अंदाजा कीजिए, शराब अंदर जब जाएगी तो अतली का हाल क्या करेगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, हाथ उठा करके वादा कीजिए, न पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। और कभी बायां दायां हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर, ये देखिए, दारू छोड़ने का आसान तरीका, दारू को आप अपना दुश्मन समझ लीजिए, उसी दिन आपकी दारू छूट जाए।
एक आदमी ने बोला कि हुजूर आपने तो कहा था कि दुश्मन से मोहब्बत करना, तो उसने जवाब दिया मैंने ये जरूर कहा था कि दुश्मन से मोहब्बत करना, ये नहीं कहा था कि दुश्मन को निगल जाना। जवानों को जरा बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे, तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान दे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, जान इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। आप लोग दाया बाया ज्यादा कर रहे हैं, जब कोई पुलिस वाला आता है तो चोर दाया बाया करता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं महसूस कर रहा हूं कि आप किसी के मुंतजिर हैं, मैं भी उनका मुंतजिर हूं, लेकिन मैं आपकी कश्ती को साहिल पर पहुंचा रहा हूं। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए तैयार हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, पूरा डिस्क ब्रेक मार करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अल्लाह जजाए खैर दे, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सिर्फ 3 मिनट का पैगाम, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल। काजी के पास एक आदमी आया बीवी की शिकायत लेकर। एक आदमी का मुंह लगवा मुंह टपका था, वो बोला जब बीवी से शिकायत है तो 1 2 3 तलाक क्यों नहीं दे देते। उसने कितनी प्यारी बात कही है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा यार 3 तलाक देने में कितनी देर लगेगी, लेकिन मैं तलाक इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मेरी बीवी खूबसूरत है, जो खूबसूरत होती है उससे नफरत नहीं की जाती। मेरी बीवी को बाल बच्चा है, जिसको बाल बच्चा होता उसको अकेला छोड़ा नहीं जाता। आया बीवी की शिकायत लेकर के, बड़ी बदतमीज है। आदमी बोला तलाक दे दो, तलाक देना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन एक खूबी है जो किसी में नहीं है, 20 साल के लिए कोने में बिठा दूंगा, बाहर चला जाऊंगा, वो आबरू की हिफाजत करेगी, आबरू का सौदा नहीं करेगी। ये खूबी है कि सबर कर रहा हूं, तलाक नहीं दे रहा। एक यहूदी आया हजरत उमर के पास बीवी की शिकायत लेकर के, उल्टे पांव वापी जाने लगा। हजरत उमर की बीवी हजरत उमर से मुंह दराजी कर रही है, हजरत उमर चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, मार भी नहीं रहे हैं। वो आदमी उल्टे पांव जब जाने लगा, हजरत उमर ने बुलाया कैसे आना हुआ था, और जिस बीमारी में आप मुब्तला हैं उसी बीमारी में मैं मुब्तला, आप मेरा इलाज क्या करेंगे, इसलिए जा रहे हैं। क्या देखो भाई, बात वो नहीं है, इसके बाप ने इसको रानी बना करके मेरे यहाँ भेजा था, लेकिन मेरे बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई, मेरे बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई, मेरे बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। खाना पकाया, कपड़ा धोया, पेशाब धोया, घर की हिफाजत की, एक औरत होकर के मुझ पर 4 एहसान किया, इसलिए 4 बात सुन करके सह लेता हूँ तमाचा मारता। जब पहली बार लड़की मैके ससुराल से मैके आती है, जल्दी आ जाती है, पहली बार ससुराल गई थी, जल्दी आ जाती है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन, पहली बार जब आती है तो मोहल्ला भर की औरतें घिर लेती हैं। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे, लड़की कहती सुभान अल्लाह,
शौहर कैसे थे तमाशा, ससुराल कैसी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत झट से बोलती है वो सब सवाल छोड़ो, सास कैसी थी, तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को। अब माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी। माँ ने कहा कि मेरी बेटी, तेरे जवाब से मुझको मायूसी हुई, तुमको सब पसंद है सास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शोहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है कभी माँ से बढ़ बढ़ के। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दामाद जेल जाएगा बेटी की तरफदारी। खैर माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आखिरी मिसाल, एक मिनट की पैगाम खत्म कर, झाड़ फूक करने वाले के पास औरत है, का मेरा मसला यह है कि बात बात पर मेरा शौहर मारता है, ऐसी तरकीब मजबूत कर दीजिए कभी हाथ भी ना उठाए, का बिल्कुल मजबूत तरकीब फ्री में कर देता हूँ। पानी पड़ दिया, कहा कि जब लड़ाई शुरू हो तो पानी घोट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा एक मिनट में खत्म हो गया, क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था किसकी जबान कैंची की तरह चलती होगी, उसका हाथ लाठी की तरह चलता होगा, अगर ये जबान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, तो जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होगा। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पैगाम खत्म हो गया, आपसे तीन वादा लेना चाहता हूं, तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, गारंटी है आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, तीन काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको मुसीबत छोड़ देगी। तीन वजह से मुसीबत आती है, गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप तीन चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थिक्के के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख ताकत थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाह खुदावाना अलहम्दुलिल्लाह।